फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज मालवनी में टाउनशिप स्कूल, जो कि काफ़ी पुरानी स्कूल है, आज इसका भूमि पूजन किया गया। बताया गया कि इसे ग्राउंड प्लस 6 बनाया जाएगा। आइए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। अभी यहां पे इस स्कूल के फंक्शन में आए हमारी बहुत सारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, पीछे हमारे गाँव की बैंड पतक है और पूरे मलाड़ से हमारे तमाम आए हुए कार्यकर्ता। आपने देखा होगा कि एक साल जो कोरोना का बीता, ये पूरे देश के लिए तो पूरी दुनिया के लिए एक सबक था। इस जंग से लड़ते लड़ते इसकी दवाइयाँ आई हैं, दवाइयों का वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से चालू है। बहुत सी जाने, बहुत से साथी हमारे, बहुत सी बहनें हमारी जो सालों साल से हमारे साथ चलते थे, वो इस कोरोना में उनका देहांत हो गया, उनका इंतकाल हुआ। ऐसे कई लोग, मतलब मैं नाम से बता सकता हूं कि कम से कम 100-150 लोग इस मलाड़ और मालवनी के इस कोरोना के काल में गए। मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो लोग हमें छोड़ के चले गए उनकी मगफिरत करें। ये वो लोग थे जो मेरे पूरे कार्यकाल में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और इस कोरोना की महामारी में तो सिर्फ ये नहीं, कई रिश्तेदार भी चले गए। हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं दुख लोगों ने देखा और उसके बाद, लेकिन दुनिया चलती है, काम नहीं थमना चाहिए, लोगों की उम्मीदें खत्म नहीं होनी चाहिए। सरकार ये कोशिश करती रही कि अच्छे से अच्छे सुविधा लोगों को दे सके। उसमें भी आप देख सकते हैं कि देश में किस तरीके की गंदी राजनीति हो रही है। पहले जो है माइनॉरिटीज़ के नाम पे मुसलमानों को टारगेट किया गया पूरे देश के अंदर, चुनाव जीतने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें की गई जो व्हाट्सएप के माध्यम से पता चल रहा है, और उसके बाद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जुडिशरी के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म हो गया, देश के अंदर बहुत ही अशांति फैली हुई है। 150 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये वो किसान जो हमारा पेट भरते हैं, ये वो किसान है जो देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन सरकार को कुछ पड़ेगी। लेकिन हमने हमारी जवाबदारी करना चाहिए, हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए लिया है, हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए। अभी आज पिछले हफ्ते इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके अंदर हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, एक हॉस्पिटल था बन के पड़ा था, उसके बाद कई साल पड़ा था। वसीम सिद्दीकी को पता होगा, बाद में मेरे वालिद साहब हाजी रमजान अली जी ने उसको शुरू किया था, लेकिन वो फुल फ्लैश शुरू नहीं हुआ था, मेटर्निटी होम के हिसाब से चलता था। फिर वो बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, उसका हमने पिछले महीने ही उसका उद्घाटन किया, और सुपर स्पेशलिटी यानी सारी वहाँ पे सुविधाएं मिले ऐसा हमने हॉस्पिटल का वहाँ बुनियाद रखा। एजुकेशन के मामले में उस जमाने में ऐसी छोटी छोटी चालें स्कूलों में बहुत बनाई। आज हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, मराठी क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं उनको जगह नहीं है, गुजराती क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जगह नहीं मिलती है, उर्दू के माध्यम में जगहें नहीं मिलती हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एजुकेशन का दर्जा कम ना हो, हमारे इस मलाड़ में झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को या उनके घर वालों को जो पैसे प्राइवेट स्कूल में नहीं भर सकते, उनको ये महसूस ना हो कि हमारा बच्चा जो है अच्छे दर्जे के स्कूल में नहीं जा रहा, अच्छे फैसिलिटी वाले स्कूल में नहीं जा रहा। इसलिए हमने एक एक करके पूरे मलाड़ की सारी स्कूलों की जवाबदारी हाथ में ली है और आज इतनी बड़ी भवन और इतना बड़ा स्कूल का यहाँ पर हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये उद्घाटन खत्म हुआ कि जो एक स्कूल गेट नंबर 8 पे थी, जो 2 माले की थी, उसको भी बहु मंजिले बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा 100 साल हो गया हमारे मड़गांव को, मड़गांव के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, बहुत जमाने से मांग रही, कितने ही नगर सेवक आके गए, कितने ही आमदार आके गए, हो नहीं पाया उनसे। अब उनके बारे में मैं कुछ अच्छा बुरा नहीं कहने में पसंद करता, लेकिन मैं अपनी जवाबदारी को हाथ में लेते हुए पूरे मड़ के गाँव को लोगों को साथ में लेते हुए हमने नए डेवलपमेंट में जो है वहाँ पे हॉस्पिटल पास कराए, डेवलपमेंट प्लान में आ गया। आने वाले दिन के अंदर हमारे मढ़ में भी जो है एक अच्छा सा हॉस्पिटल होगा
इसकी वजह से हमारी जो कई माताएं हैं, कई बहनें हैं, जिनको यहाँ आते आते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कितनी डिलीवरी केसेस में भी कई हमारी बहनें वहाँ पे मर गई। कितनी सफर में, इतना लंबा सफर करते समय छोटे मोटे थोड़े हॉस्पिटल बने हैं लेकिन हुआ नहीं। हमारे मच्छीमारों का प्रश्न था सालों साल से। हमने जब से ये कमान हाथ में उठाई है, मेरे ख्याल से मुंबई शहर में पूरे महाराष्ट्र में अगर एक नंबर का मच्छीमारों के लिए अगर काम हुआ तो मलाड़ा एरिए में हुआ और आगे भी होगा। पूरे पूरे महाराष्ट्र में तो काम करेंगे करेंगे, लेकिन मुंबई और ये मलाड़ जहाँ से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको एक रोल मॉडल बनाएंगे। आप देखिए, एक एक गली हम चुन चुन के बना रहे हैं, एक एक शौचालय का हम कोशिश कर रहे हैं। काम करने में दिक्कत आती है क्योंकि हमें निकालना भी है, फेंकना भी है, सर्विसेज खत्म भी नहीं करना है। हमारे तमाम लोगों से, मेरे तमाम जो मेरे वर्कर्स यहाँ पे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, लोगों तक जाइए, कुछ दिक्कतें उनको समझिए और उनको हल निकालने का काम करिए। जो कॉरपोरेटर है उनको कहूँगा कि बड़े प्यार से, बड़े नम्र से, आज इन लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े, तो इनका इनका दुख जब तक तुम्हारा दुख नहीं होगा तब तक तुम्हारा जीवन सफल ही नहीं होगा। हमारा कार्यकर्ता ये महसूस नहीं करना चाहिए कि हमारा नगर सेवक हमारी सुनता नहीं है। आज सरकार है, मेरे एक एक कार्यकर्ता का जो भी सरकारी काम अटका होगा वो सब ईपी इंचार्ज से कहूंगा कि लेके आइए। मेरे ख्याल से मर से वो डॉक्टर साहब, उसका फोन आता है, क्या नाम हो उसका, कुछ जमीन का मसला है औरंगाबाद कर, उसके SMS आते हैं, उसका मसला है क्या ये? अगर ये गरीब आदमी 7 साल से हमारे पीछे चल रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है, तो लाइए उसको, कराइए, उसकी जो मुसीबत है उसको बाहर निकाले। उसी तरीके से हम अन्य दिनों में वो जॉब फेयर एक लगाया था, वापस जॉब फेयर लगाने जा रहा हूँ ताकि हमारे मलाड़ में रहने वाले जितने बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अभी गटर में से तो गैस लाइन हम लोग तो निकाल नहीं पाएंगे, वो तो मोदी जी ही कर सकते हैं। हम लोग तो कम से कम बच्चे कहीं जाए, उनको नौकरी मिले, 2 पैसे मिले, उतना काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2002 से जब से मैं जीत के आया, इस मलाड़ का नाम जो बदनाम था, इस मालवनी का नाम जो बदनाम था, उसको मैंने खत्म करने का काम किया। उसके बाद उस जमाने में कोई रिक्शा वाला आने को तैयार नहीं था। उस जमाने में किसी पता होगा एकता के ग्रुप को कोई कार्ड नहीं देता था, सिम कार्ड नहीं मिलता था, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। वो सारी चीजें धो धो के हमने साफ किए। हम किसी के पीछे पड़ते नहीं, मेहरबानी करके कोई हमारे पीछे ना पड़े, नहीं तो हमको उनके पीछे पड़ना। हमारे एक ही लक्ष्य है, मेरी पूरी एक ही कोशिश है कि 24 घंटे में से 18 घंटा काम करूं, 18 घंटे में से 2 घंटा मलाड़ के लिए दूं। मलाड़ की वो छोटी छोटी गलियां, मलाड़ के वो रोड, आने वाले दिनों के अंदर ये मलाड़ एक मॉडल बनना चाहिए। हम वर्सोवा और मड़का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत दिनों से ब्रिज की मांग थी, वो जरूर होगा, होगा होगा, अभी नहीं होगा तो फिर कभी भी नहीं होगा, ये भी समझिए, हम उसको करेंगे। हमारा ये मालवनी से रास्ता निकालना है लेकिन रोड के ऊपर, वो ब्रिज का वो भी काम होगा। जो रोड हमने अभी नया शुरू किया, ठीक है, आज लगुन रोड के पास से भी हमें रास्ता बनाना, लेकिन अभी हमने एक कम से कम बाईपास बना दिया ताकि जो महाड़ा से, अम्बोजवाड़ी से, वहां से लोग आते थे, अब उनको मलाड़ जाने में, जो पहले खाली एक नंबर आने में 20 मिनट लगता था, अब वो 5 से 7 मिनट में यहाँ शमशान या कब्रिस्तान के नाके तक पहुंच जाते हैं। ये सारे रोड की फैसिलिटी, सिर्फ काम की बातें करेंगे। और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतना बड़ा अध्यक्ष है, उसको कुछ काम धंधा नहीं है, वो चला आता है अम्बोजवाड़ी में। अम्बोजवाड़ी में एक काम आज तक किसी दलितों का किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं किया। हमने है बुद्ध मंदिर बनाया, हमने है समाज कल्याण मंदिर बनाया, हमने लाइब्रेरी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जगह लिया हुआ, एक ही जगह सरकार की हम लेते नहीं है, सरकार की जगह सरकार के लिए, और जितने प्लेग्राउंड बनाया हमारे बच्चों के लिए बनाया, बच्चों के भविष्य के लिए बनाया, एक भी चीज हमने किसी सोसाइटी को लेने नहीं दिया। हम चाहते हैं कि ये जगह है, बच्चों के साथ रहे, जो भी बढ़िया से बढ़िया काम हो इस मलाड़ में बने, हमारे बच्चों का भविष्य बने। आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी एक कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी महिलाओं के लिए जो है, उनके रोजगार के लिए एक महिला भवन बनाऊं ताकि पूरी मलाड़ से जो महिलाएं आ सके वहां पे, उनका जो है रोजी रोजगार को किस तरीके से मैं खरीद कर सकूं, उसके ऊपर मेरा फोकस चाहिए। हमारी वर्ल्डी से, मोटापाड़ा से कितनी सारी साउथ इंडियन महिलाएं जो हमारे साथ आंख बंद करके खड़ी रहती है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, सिर्फ 4-6 बारिश का मौसम खत्म हुआ तो रिजवान भाई के पास यही मटेरियल रहेगा कि MIM भी आएगी और भारतीय जनता भी आएगी और दोनों आपस में कव्वाली गाएंगे और वही चलेगा। ना रोड की बातें होंगी, ना डेवलपमेंट की बातें होंगी, ना ये होंगी। भारतीय जनता पार्टी को दुख हो रहा है, शिवसेना बुरा काम कर रही, तो बुरे आदमी के साथ 20 साल बैठे थे तो दिक्कत नहीं है,
हमें तो चलाना है, बचाना है देश को करके हम साथ में चल रहे। आज की तारीख में देश को बचाना है, आज की तारीख में महाराष्ट्र को बचाना है, तो जो योग्य निर्णय है वो लेना और पूरी की पूरी जो हमारे एजेंडे के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हम नाम वाम बदलने में इंटरेस्ट नहीं रखते, कुछ लोग नाम बदलते हैं उनको बदलने दो, हम नाम बदलना नहीं चाहते, हम नाम के नाम से एक शहर बसाना चाहते हैं जो सबसे अव्वल शहर। अगर मालवनी का नाम बदल के कुछ और रख दे तो कोई मतलब नहीं, मालवनी को इतना खूबसूरत बना दो कि दूसरी मालवनी रखने के लिए लोग तैयार हो जाए, मलाड का नाम ऐसा कर दो। हम किसी भी चीज के शहर का किसी भी पूरी पूरे इस देश के अंदर से ये पुतलों जो खड़ा करते हैं अपने अपने नेताओं का, किसी के भी हो, किसी भी पार्टी का हो, मेरा ये मत है कि वो उसके खुद के पैसे से होना चाहिए और उसकी खुद की जगह पे होना चाहिए, दूसरे पे लाद रखनी चाहिए। सरकार का पैसा जब जमा होता है तो सरकार के लिए ही खर्चा होना चाहिए। हमने 5,000 फुट के बड़े बड़े हमारे नेताओं के पुतले तैयार कर दिए, उन पुतलों का विरोध नहीं करता, लेकिन उन पुतलों के पैसों से अगर हमने 10 गांव में अगर 30 हॉस्पिटल तैयार किए होते तो कई लाख आदमी जो है उससे फायदा लेता और उस नेता को याद भी करता कि इस हॉस्पिटल में जाना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के हॉस्पिटल में जाना है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जाना है, अम्बेडकर जी के हॉस्पिटल में जाना। इस तरीके से डेवलप होना, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाओ, बड़े बड़े स्कूल्स बनाओ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाओ, उसमें करो। अगर कोई इस शहर के अंदर इस तरीके के नाजायज पैसे खर्चा करता है उसमें कोई हमारा समर्थन नहीं है, लेकिन मैं मेरे तमाम कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आने वाले दिनों में लोगों के घर तक पहुंचो, आप लोग मेरे पीछे घूमे, मेरे साथ में घूमे हो, किसका क्या दुख है वो लिख लिया, अगर उसके बच्चे के पढ़ाई का मसला है उसको पढ़ाई में मदद करो, कोई बच्ची अपना हुनर करना चाहती है, कोई महिला बेवा है या कमजोर है उसके हाथ में अगर उसको मशीन चाहिए तो मशीन तो ले जाके घर पे पहुंचा, किसी की बेटी तैयार उसकी शादी नहीं हो रही है किसी वजह से अच्छा नहीं उसके पास जाओ, पूरे मुंबई शहर में से लोगों से हम जो भी यूज करेंगे उस बच्ची का घर आबाद करने का काम करें, ये सब काम हम सबको मिलकर करना है। अभी ताकत मिली तो लोगों के बीच में लोगों का कितना भला कर सकते हो, देखो जिन आप इतनी पुरानी हो, आप तो मेरे से 25 साल से जुड़े हो, अभी नापा वगैरह अब बैठने का टाइम नहीं, उम्र है, अल्लाह आपसे और काम लेगा, जाइए हिंदू मुस्लिम हर एक के घर में जाइए, जिसके घर में जो तकलीफ है उस तकलीफ को दूर करने का काम करिए। अगर हकीकत में हैदर का जन्मदिन उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिंदगी में अगर कुछ सीखना है तो बर्थडे के दिन हो सके उतना एक भी रुपया जाया नहीं जाए, उतने पैसे का लोगों को जाके अगर मजदूरों को गरीबों को अगर मदद करने का काम किया उससे बड़ा भी बड़े सेलिब्रेशन मिला, उससे बड़ा कुछ होता नहीं, अपने खाना वगैरह करो, लेकिन हो सके तो अपने जन्मदिन से 4 लोगों की जान बचे, 4 लोगों के घर में खुशहाली है, 4 बच्चा पढ़ ले, 4 बच्चे का हॉस्पिटल का पैसा भर जाए, वो काम करो, उससे बहुत बड़ा जो है। और सब ये सोचा कि ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं, सभी लोग अगर ऐसे हो जाते हैं, आज भी देश जिंदा है, आज भी अगर सारी सिस्टम जिंदा है ईमानदारी के ऊपर, पुलिस भी ईमानदार, कोर्ट भी ईमानदार, उसमें ऐसा नहीं कि बेईमान नहीं होते, लेकिन ज्यादातर ईमानदारों की वजह से देश चलता है, कानून चलता है, अगर सब ईमानदार हो जाएंगे तो नहीं चलेगा। आज आने वाले दिनों में आप ये देखिए कि जितनी कनेक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा, हमें जो लगून रोड है शायद राजीव गांधी नाम दिया, राजीव गांधी रोड को हमको लिंकिंग रोड पर जोड़ना, उसके ऊपर ब्रिज बनाना है, हमने 250 झोपड़े अभी हटाए, 400 झोपड़े हटाते समय हमने लोगों को बेघर करने का काम नहीं किया, लोगों को घर के बदले में घर दिया और इसी मालूम नहीं दिया। आने वाले दिनों में जो वहां से 450 घर के करीब जाने वाले, वो 450 घरों को हम यहीं पे बसाएंगे, फिर रोड निकालेंगे और लोगों को तकलीफ जो है दूर करेंगे। हमारे जितने पुराने सारे जो कार्यकर्ता हैं, नए कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ता हैं, कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरा तो पहले से नेटवर्क इतना अच्छा है, मैं वहां तक का मैसेज देता हूँ किसके ग्रुप में क्या मैसेज चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या डिस्टर्ब करने का काम इस मालवनी में कर रहा है। याद रखना, मालवनी और मलाड में अगर किसी भी तरीके से कोई जातिवाद करने का काम किया तो मेरी नजर पुलिस से पहले उसके ऊपर है, और मैं डायरेक्ट सरकार में बैठा हूँ। किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, अगर कानून हाथ में लिया और जातिवाद करने का काम किया, चाहे छोटा नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे देश का नेता हो, मालवनी में तो ये होने नहीं दूंगा, मलाड में तो ये होने नहीं दूंगा। सब धर्म के सब जैसे आज यहाँ पे खड़े, क्रिश्चियन भी खड़े हैं, मुस्लिम भी खड़े हैं, दलित भी खड़े हैं, सारे समाज के लोग खड़े, कभी किसी को ये एहसास नहीं हुआ, लेकिन ये जो एक देश के अंदर गंदगी फैलाने का काम कर रहा है उसके खिलाफ हम सबको खड़े रहना, उसके खिलाफ हम सबको काम करना है। और जो लोग आज नहीं आए, मैं पर्सनली जाके सबसे मिला, मैं सबको देख रहा हूँ,
जो आए उनको भी देखा, जो नहीं आए उनको भी देखा, जो नहीं आ पाए उनका मैसेज भी देखा मैंने। जो लोग मढ़ वगैरह से, अरिंगल वगैरह से जो आए हैं, उनके कुछ और भी लोग आना चाहिए था, वो नहीं आए, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम है, आने वाले दिनों में वार्ड लेवल पर हम सबको लेके बैठेंगे, अपने उन तमाम जो छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसको ऐसा लगता होगा कि किसी वजह से जो है नहीं मिल पा रहा, लेकिन मेरी कोशिश रहती है, मैं रात हो दिन हो हफ्ते में दो बार, भले रात हो जाए, रात को राउंड मार के जाता हूँ, दिन में राउंड मार के जाता हूँ, लोगों के बीच में आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों के बीच में रहूँ। इतना भी नहीं रह सकता जैसे पहले रोज ऑफिस खोल के बैठता था, आज पूरे महाराष्ट्र में काम करना है और महाराष्ट्र में जो जवाबदारी मेरे हाथ में दिया उसके ऊपर एक इंकलाब लाना है, उसमें ऐसा काम करना है कि लोग जो जो डिपार्टमेंट मेरे पास है, जैसे हमारे फिशरमैन मछुआरों का डिपार्टमेंट है, 720 किलोमीटर का डिपार्टमेंट है, आने वाले 20-25 सालों में जो काम नहीं हुआ वो काम करना है, ताकि हमारे जो छोटे मोटे जो मछुआरे हैं जो बेचारे आज भी गरीब परिस्थिति में काम करते हैं, उनके पास अच्छा फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास जो है तरक्की का जरिया नहीं है, उन सबको तरक्की से जोड़ना, ताकि हमारी ये कम्युनिटी जो है जो बेचारे हैं वो आगे बढ़े, ताकत रहे, जो जो जवाबदारी है, ताकि जो डिपार्टमेंट सोया हुआ उसको जगा के ताकत करेंगे, ताकि आगे चल के उसको जो है लेने की लोग काम करेंगे। इसीलिए उतना अब पहले लोगों की आदत थी कि जब छोटा मोटा भी कुछ हुआ तो चले आए, नगर सेवक ने नहीं सुना तो भी चले आए, घर में भी मसला हुआ तो भी चले, अभी भी वही चल रहा है, अभी भी लगता नहीं, लगने की जरूरत भी नहीं, मैं अभी भी वो काम करने तैयार हूँ। बहुत से लोगों का ये कहना है कि फोन नहीं उठता, जरा एक घंटा मेरा फोन आपके पास रख लो, और दूसरे दिन ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खानी पड़ी, उसके बावजूद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि SMS कर दो, आप मुझे टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट मेरे दो आदमी रखा, दो आदमी महीने में दो बार बीमार होता है, वो हमारे तो फोन ही नहीं उठाता, दो दिन बीमार ही होता है, इतने कंटिन्यूसली फोन। कोशिश ये करता हूँ कि हो सके उतना लोगों को समझ सकूं, जो भी कंप्लेंट छोटी आती है बड़ी आती है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि निभाया जा सके, उसको पूरा किया जा सके, एक डेवलप सिटी की तरीके से पूरे स्लम एरिया जितने भी हमारे उसको एक अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम कर रहा हूँ। और आप सभी लोग यहाँ पे आए, बहुत सारे काम, कुछ लोगों ने मेरी वीडियो चलाई थी पिछले साल की कि असलम भाई ने बोला था कि गूगल मैप कर लो, बिल्कुल गूगल मैप कर लो, अगर गूगल, मैंने तो लास्ट टाइम भी बोला था कि उस गली में नहीं जाऊंगा जिस गली का मैंने काम नहीं किया, उस रोड पे नहीं जाऊंगा जब पिछला चुनाव हुआ, सारे रोड बना दिए थे, अभी तो मैंने ऐसे बना दिया कि सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड बन गए, एक एक गल के, एक एक गांवठन के रोड ले रहा हूँ, एक एक गली दोस्ती के रोड ले रहा हूँ, एक एक हमारे जो आदिवासी है उनके एरिया में भी, डॉक्टर साहब अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए भी टाँकी बिठा रहा हूँ कि पानी के लिए कोई महरूम नहीं होना चाहिए, जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोग, हमारे जो व्यापारी लोग हैं उन सबको बोलता हूँ, बिंदास रहिए, कोई आपसे पैसा मांगना है, चंदा मांगना है, किसी भी धर्म के मांग के इसके लिए आए हो, चाहे वो फिर दही हंडी के नाम पे आया हो, चाहे खिचड़े के नाम पे आया हो, चाहे राम मंदिर के नाम पे आया हो, किसी भी नाम पे अगर कोई जबरदस्ती किसी से पैसा लेता है कोई भी धार्मिक काम के लिए जबरदस्ती से, तो उसको पैसा मत दो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन धंधे में जो आपको करना है वो करो, धंधे में जो आपको आगे तरक्की करना है वो करो। सारे लोगों को अभी कोरोना के बाद सारे हमारे व्यापारी बहुत परेशान है, उनको किस तरीके से ताकत देना चाहिए, उनको किस तरीके से रिलीफ देना चाहिए, उनको किस तरीके से मजबूत करना चाहिए, ये सब काम हम लोग करने के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं, और इसी में आप लोग हमारा साथ दीजिए। और सभी कार्यकर्ताओं का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी जबरदस्त तादाद से यहाँ पे आए हमारे सभी लोगों को, फिर एक बार ये कहूंगा कि लोगों तक पहुंचो, लोगों के काम लो, अपने वार्ड अध्यक्ष के पास दो, अगर नगर सेवक है तो नगर सेवक के पास दो, एक कॉपी लाके मेरे ऑफिस में दो, हैदर को उस कंपलसरी वहां बिठा के रखाऊं, अशफाक को बिठा के रखाऊं, हमाई को बिठा के रखाऊं, यानी हम सबको बिठा के रखाऊं, खाली इस मलाड़ के लिए एक OSD को स्पेशल बोला हूं कि मलाड़ की जो भी छोटी मोटी समस्या है उस पर जो है काम करिए, और भी आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और मैं आप लोगों को ईमानदारी से बताता हूँ, खड़ा रहूंगा आप लोग के साथ में, आपको टूटने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, इस मलाड़ के ऊपर बुरी आंच आने नहीं दूंगा, जब तक है सब हिफाजत से रहेंगे, इस मलाड़ में तो पूरे मुंबई शहर में कोई भी हरकत करेगा ऐसे पालक मंत्री उसको जो है सबक सिखाने का काम करूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा, अगर अधिकारी होगा गलत काम करेगा तो अधिकारी को नहीं छोड़ूंगा, पब्लिक ने अगर गलत काम की तो पब्लिक को नहीं छोड़ूंगा, जिस तरीके से चलना चाहिए, जो बोलते हैं ना राम राज्य जिस तरीके से चलना चाहिए वैसा ही राज्य चलना चाहिए, सब खुश होना चाहिए, सबको ये मिलना चाहिए, सबको ताकत मिलना चाहिए। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके मैं कंवर जान सिद्दीकी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दो काम के पीछे मैंने उससे कहा था कि लगे रहना, जहाँ भी अड़चन आएगी मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, मैं खुद भी
समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471111। धन्यवाद।